हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आपने मशहूर अभिनेता राजकुमार के बारे में तो बहुत सुना होगा कि उन्होंने किन अभिनेताओं का घमंड तोड़ा था, लेकिन क्या आपको पता है कि दो अभिनेता ऐसे भी थे जिन्होंने राजकुमार का ही घमंड चकनाचूर कर दिया था। चलिए वो दिलचस्प किस्से सुनाते हैं। पुलिस की नौकरी छोड़कर फिल्मी दुनिया में आए कुलभूषण पंडित बॉलीवुड में राजकुमार के नाम से मशहूर हुए थे। उनके डायलॉग और बात करने के अंदाज के लोग दीवाने थे, मगर असल जिंदगी में भी उनके बातचीत का अंदाज पुलिसिया ही था। वो दूसरे एक्टरों का घमंड चकनाचूर कर देते थे। इनमें गोविंदा, अमिताभ से लेकर सलमान खान तक शामिल हैं, लेकिन दो अभिनेता उन पर भारी पड़ गए थे। पहले अभिनेता थे फिरोज खान, जो अपने अक्खड़ अंदाज के लिए फेमस थे। बात उन दिनों की है जब 1965 में वो अपनी फिल्म ऊंचे लोक की शूटिंग कर रहे थे। फिरोज इंडस्ट्री में नए नए थे। फिल्म में राजकुमार और अशोक कुमार भी थे। पहले दिन की शूटिंग में राजकुमार की नजर फिरोज पर पड़ी तो उन्होंने रौब झाड़ने के लिए फिरोज को अपने पास बुलाया। राजकुमार गुरूर से बोले कि देखो, ये तुम्हारी एक बड़ी फिल्म है, मैं भी इस फिल्म का हिस्सा हूँ, इसलिए तुमको बहुत ध्यान से काम करना होगा। राजकुमार बोले कि मैं तुमको बीच बीच में सिखाता रहूंगा कि काम कैसे करना है। राजकुमार अभी अपनी बात भी पूरी नहीं कर सके थे कि फिरोज गुस्से में खड़े हो गए। उन्होंने राजकुमार से नजरें मिलाकर कहा कि आप मुझे मत सिखाइए, आप अपना काम करिए और मैं अपना काम करूंगा, मुझे अपने तरीके से काम करना आता है। राजकुमार को उम्मीद ही नहीं थी कि कोई नया लड़का उनको ऐसा जवाब भी दे सकता है। उनका घमंड टूटने पर आसपास खड़े लोग घबरा उठे। लोगों को लगा कि अब तो फिल्म नहीं बन पाएगी या फिरोज खान तो अब काम नहीं कर सकेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन राजकुमार फिर फिरोज के पास पहुंचे और बोले कि मुझे तुम्हारी ये अकड़ अच्छी लगी, इस अकड़ को ऐसे ही बनाए रखना। दूसरे अभिनेता जिन्होंने राजकुमार का घमंड तोड़ा था वो कोई और नहीं, नाना पाटेकर हैं। ये किस्सा मशहूर फिल्म तिरंगा से जुड़ा हुआ है। मेहुल कुमार तिरंगा फिल्म बना रहे थे। राजकुमार को पहले ही साइन कर लिया गया था, अब बारी थी नाना पाटेकर को साइन करने की। लोगों ने उनको सलाह दी थी कि नाना और राजकुमार के साथ फिल्म पूरी नहीं हो पाएगी। फिर भी मेहुल सीधे नाना पाटेकर के पास पहुंचे और उनसे तिरंगा में रोल करने को कहा। जैसे ही नाना को पता लगा कि फिल्म में राजकुमार भी हैं, तो उन्होंने सीधे मेहुल से बोल दिया कि वो राजकुमार के साथ काम नहीं करेंगे। मेहुल के बहुत मनाने पर नाना ने साफ कह दिया कि अगर 20 सेट पर मुझसे राजकुमार ने किसी तरह की बदतमीजी या दखलंदाजी की तो मैं उसी समय फिल्म छोड़ दूंगा, चाहे तुम्हारी फिल्म बने या ना बने। नाना को फाइनल करने के बाद राजकुमार को पता लगा कि नाना पाटेकर भी फिल्म में हैं। राजकुमार मेहुल से बोले कि वो तो बहुत जाहिल किस्म का इंसान है, उसको क्यों ले लिया। फिर राजकुमार ने पूछा कि क्या नाना ने उनके लिए कुछ कहा। इस पर मेहुल बोले कि बस आप सेट पर उनसे ना बदतमीजी करें ना ही दखलंदाजी करें। इस पर राजकुमार घबरा गए और बोले कि अरे, मैं क्यों नाना पाटेकर के काम में दखल दूंगा। इसके बाद पूरी फिल्म की शूटिंग में राजकुमार ने नाना पाटेकर से दूरी बनाकर रखने में ही भलाई समझी। वैसे दोनों का एक गीत बड़ा हिट हुआ था, पीले पीले। दर्शकों को दोनों की जोड़ी खूब पसंद आई थी। दोस्तों, आपको फिरोज खान, राजकुमार और नाना पाटेकर में कौन ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।